नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू था विद राजदीप सरदेसाई, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा और वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरे उसके ऊपर क्या विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ, ये जो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुई कल इंडिया टुडे के चैनल के ऊपर, वो इंटरव्यू का प्रोपोगेंडा किया गया। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को बताया गया कि द सो कॉल्ड अक्यूज्ड इन सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ की इंटरव्यू कर रहा है राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेकर आया एंड उसको फ्लाइट लेने के बाद किसी ने क्वारंटाइन भी नहीं किया। वो राजदीप सरदेसाई की इंटरव्यू का पीआर एक्टिविटी हो रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को भिजवाकर। क्या राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे ग्रुप को पैसे मिले थे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने के लिए? वॉज दिस अ मीडिया नेट एक्टिविटी? आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूं और मुझे पता है कि कैसे मीडिया नेट द्वारा यू नो जर्नलिस्ट एंड मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस वो स्टोरीज और इंटरव्यूज करते हैं जो एक्टर को बेनिफिट करती है, और इसके लिए एक्टर उन्हें पैसे देता है या एक्टर के पीछे उनका गॉडफादर उन न्यूज हाउसेस को, मीडिया हाउसेस को पैसे देता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इंटरव्यू ऑफ रिया चक्रवर्ती वाज प्रॉम्प्टेड बाय अ मीडिया नेट एक्टिविटी। ये इंटरव्यू के अंदर राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली ताहिर हुसैन का समर्थक है, वो ताहिर हुसैन हु हैज बीन नेम्ड इन द सीएए प्रोटेस्ट, वो राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू करता है। एंड ये इंटरव्यू करने के समय करते समय रिया चक्रवर्ती की एक नेबर है जो ऑब्वियसली दूसरे न्यूज चैनल्स को बयान दे रही होती है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक कर रही होती थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, मगर ये सब कठिन सवालों का जवाब नहीं दिया रिया चक्रवर्ती ने। ये ब्लैक मैजिक वाले सवालों को घुमाया है, व्हाट्सएप चैट्स जहां पे ड्रग के डीलिंग की बातचीत हुई है उसको घुमाया गया है। जी हाँ, जहां पर वो खुद अपने फोन से दीपेश सावंत को कह रही थी कि वो माल लेके आओ, ने ये माल लेके आओ, ने इतना माल लेके आओ, वो सब मैसेजेस के ऊपर उसने कुछ बातचीत नहीं करी है। मुझे समझ नहीं पड़ता कि कोई आदमी कैसे एक इतने इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी को इतना सफर करा सकता है इतने महीनों से प्यार का ड्रामा करके, या यू नो ग्लैमरस हॉट लड़की बनने का ड्रामा करके। दिस इज लाइक हनी ट्रैपिंग रिया चक्रवर्ती। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद राजदीप सरदेसाई। वो कहती है कि जनवरी 2020 में भी सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ रिया चक्रवर्ती, दैट इज फॉर श्योर। उसके कॉन्शियंस के अंदर, सब कॉन्शियंस के अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रिया चक्रवर्ती वाज नॉट द राइट गर्ल फॉर हिम। उसने उसको तभी कहा था कि उसको पवना पवना जाना है। जी हाँ, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लोगों ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वांटेड टू लीव हिज मुंबई रेजिडेंस एंड गो एंड सेटल इन पवना। इसके ऊपर आई थिंक सुशांत के असिस्टेंट या कोई भी जो उसके सह स्टाफ थे उन्होंने भी डिस्कशन करी है। सो आई कैन अंडरस्टैंड ये बात सच हो सकती है। तो रिया को जनवरी में भी सुशांत ने अपने घर से निकाल दिया था, मगर जब उसने फिर से सुशांत ने रिया को फोन किया तो रिया अपना बैग बिस्तरा बोरिया लेकर सुशांत के घर में आकर रहने लगी। बिकॉज हु वुड नॉट लाइक टू स्टे इन अ सी फेसिंग बैंड्रा अपार्टमेंट, ऑब्वियसली फ्रॉम दैट यू नो ग्रिल्ड अपार्टमेंट जो एक बहुत ही यू नो बी कॉलोनी में था इन बॉम्बे, वेयर हर फैमिली स्टेज। यस, आई एम गोइंग टू टॉक लाइक दिस वे बिकॉज यहाँ पर किसी की मौत हुई है और उसके मौत के बाद उसको एज अ ड्रग एडिक्ट प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है बाय द मेन अक्यूज्ड एंड द पीपल बिहाइंड हर। सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली अटैक हर बिकॉज शी इज डायरेक्टली अटैकिंग द मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, हु वॉज अ फिटनेस फ्रीक एंड इंटेलिजेंट माइंड, हु वॉज यू नो नॉट गिवन हिज ड्यू क्रेडिट बिकॉज बॉलीवुड के अंदर कैंपिज्म है। बॉलीवुड वॉज थ्रेटन्ड बाय हिज टैलेंट, बॉलीवुड वॉज थ्रेटन्ड बाय हिज extraordinary performance, and वो एक चापलूस नहीं था। उसने कोशिश करी चापलूस बनने का, but he could not become the चापलूस like other outsiders become, and that is why probably they started distancing him, and that is when he started getting affected or anxious, और उनकी anxiousness का फायदा उठाया रिया चक्रवर्ती ने, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसको रोहिणी अय्यर ने मिलाया सुशांत सिंह राजपूत से। वो रोहिणी अय्यर जो सुशांत सिंह राजपूत की वेलविशर नहीं थी, क्योंकि रिया को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलाने के बाद रोहिणी अय्यर स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद देम। सो रिया चक्रवर्ती वाज अ प्लांट बाय रोहिणी अय्यर, द सो कॉल्ड पीआर
पब्लिसिस्ट जो अपने आप को कहती थी कि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, सबने वो इनोसेंट आदमी का यूज किया है. रोहिणी अय्यर, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी क्वेश्चन्ड बाय मुंबई पुलिस आफ्टर दिस यू नो इंटरव्यू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और बाय सीबीआई इफ यू आर अ क्रिमिनल, बिकॉज आपने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में प्लांट किया और अब उसकी डेथ के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का ड्रामा कर रही है, तो यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस, डोंट यू थिंक रोहिणी अय्यर, द सो कॉल्ड ए ग्रेड पीआर ऑफ बॉलीवुड, जो ऑब्वियसली उद्धव सरकार की बहुत जय जयकार करती है बिकॉज उसको लगता है कि उद्धव सरकार इज अ गुड सरकार एंड उसके पीछे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब उद्धव सरकार की जय जयकार करते हैं बिकॉज पीआर ने बोला है. किसी का कुछ दिमाग नहीं चलता, वो सिर्फ पीआर के हिसाब से चलते हैं चाहे उनको सच दिखे या ना दिखे. नथिंग अगेंस्ट उद्धव सरकार पर्सनली, प्लीज हियर, प्लीज डोंट पुट मी टू एनी पोलिटिकल राइवलरी बैटल, बट ये पी आर एक्टिविटी बॉलीवुड ने किया था वेन उद्धव सरकार वॉज अपॉइंटेड इन महाराष्ट्र. सो आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोज फैक्ट्स एंड ट्राइंग टू कोरिलेट. तो अब रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पे फिर से वापस आते हैं. सो ये इसको जनवरी में निकाल दिया गया था, इसके बाद ये फिर से वापस आई थी जब सुशांत ने उसको फोन किया था. एंड जून में सुशांत सिंह राजपूत वॉज प्लानिंग टू मूव टू कुर्ग. जी हाँ, मे बी ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वॉज शेपिंग अप इन हिज लाइफ और इन हिज करियर और हिज ऑफर्स और वट एवर. सो कुर्ग जाके शिफ्ट होना, बॉलीवुड को छोड़ना, ये एक सोच सही थी जो परिवार ने भी कहा. द फादर, द सिस्टर्स, एवरीबडी सेड दैट ही वॉन्टेड टू लीव बॉलीवुड एंड शिफ्ट टू कुर्ग. Now, ये बात को कोलैबोरेट कर रही है रिया चक्रवर्ती, सो आई एम बिलीविंग दिस स्टेटमेंट ऑफ हर्स. तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के नेपोटिज्म, बॉलीवुड के कैंपिज्म ने सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग के ऊपर अफेक्ट किया था. सो कहीं ना कहीं कंगना की स्टोरी बोर्ड, हमारी स्टोरी बोर्ड की बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स के दिमाग को अफेक्ट किया जाता है, जो आउटसाइडर्स उनको थ्रेटन करते हैं, वो एक सच्ची बात थी. बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत वॉज प्लानिंग टू मूव टू पवना इन जनवरी एंड इन टू कुर्ग इन जून. अब जब जून में उसने बोला रिया को कि वो कुर्ग जा रहा है और उसको अभी रिलेशनशिप तोड़नी है, बिकॉज एज पर रिया चक्रवर्ती सुशांत ने फिर से उसको घर से जाने को बोला था, मगर रिया घर से जाने के बाद इमीडिएटली महेश भट्ट साहब को फोन करके बोलती है या मैसेज करके बोलती है कि उसने, यानी आयशा ने, जो उसका नाम था जलेबी पिक्चर में, उसने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा. तो यहां पर वो अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि खुद स्टेटमेंट में कहती है कि सुशांत ने मुझे जाने को बोला, और जाते ही वो महेश भट्ट को बोलती है कि मैंने आज सुशांत को छोड़ दिया, अपने पंख खोल दिए. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन हर ओन स्टेटमेंट्स बाय हरसेल्फ. अब वो कहती है कि सुशांत ने उसे फोन मैसेज किया, हाउ आर यू आर वट एवर, मगर ये मैसेज पाने के बाद उसने सुशांत को ब्लॉक कर दिया. तो ये जो थ्योरी थी कि सुशांत ट्राइड कॉलिंग रिया अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू टू हर, सो बिकॉज शी हैड ब्लॉक्ड हिम, वो एक सच कहानी है. बिकॉज रिया ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि सुशांत ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे पूछा हाउ आर यू, मगर सुशांत ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको ब्लॉक कर दिया. ये रिया की कहानी है, एक्सप्लेनेशन है, मगर फैक्ट इसमें यह है कि उसने सुशांत का कॉल ब्लॉक कर दिया. शी हैड पुट सुशांत सिंह राजपूत इन ब्लॉक लिस्ट. तो यहां पर लेट्स figure out the facts which have come from the horse's mouth herself. अब वो कह रही है कि she was very shocked कि कैसे उस सुशांत ने अभी तक उसको वापस नहीं बुलाया, because हरदम वो उसे वापस बुलाता था. क्यों बेटा, तू जादू टोना करती थी, ब्लैक मैजिक करती थी, इसलिए वो तेको हरदम वापस बुलाता था. what is this logic of yours? सबसे पहले अगर वो तुझसे प्यार करता था तो घर से बाहर जाने को कहता नहीं, मगर उसने तेको घर से बाहर जाने को दो बार बोला, और उसके बाद जब तेको बुलाता था तो तू आ जाती थी. मतलब कहीं ना कहीं यू आर ऑब्वियसली यूजिंग हिम एज आई डोंट नो एज अ सोशल क्लाइमर, बिकॉज तेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो था नहीं. क्योंकि अंकिता के ऊपर ब्लेम करना और कहना कि अंकिता उसके साइड के घर में रह रही थी, दैट इज कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स ऑफ योर्स, बिकॉज यू डोंट इवन नो अंकिता एंड हिज रिलेशनशिप, यू डोंट नो ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे ब्रोक ऑफ. ठीक है, यहां पर किसका फॉल्ट था तुम्हें नहीं पता, और अंकिता ने कभी कोई घर का जो उसका पार्ट था उसका कब्जा करके नहीं रखा था. इट वॉज अ पार्ट विच हैड सुशांत सिंह राजपूत नेम प्लेट आउटसाइड द फ्लैट, एंड ऑब्वियसली इट वॉज अप टू सुशांत सिंह राजपूत
राजपूत टू रिट्रीव द प्रॉपर्टी, टू मेक अ वॉल इन बिटवीन और टू डू वॉट एवर ही हैड टू डू, बिकॉज वो हाउस तो उसी के नाम पे था. किसी ने नहीं बोला कि वो हाउस अंकिता के नाम पे शिफ्ट हो गया था. अंकिता अपना यू नो ईएमआई पे कर रही थी, जिसका उसने प्रूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिया है. अब आगे बात करते हैं कि जब वो यूरोप ट्रिप में गए थे तो रिया कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज इन टच विद हिज फादर, और नवंबर में इसने रिया ने उनकी फैमिली को सुशांत सिंह राजपूत के मेडिकेशंस और डॉक्टर्स के बारे में बोल दिया था. तो कहां से वो व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक होते हैं जहां पर फादर उसे बेग कर रहा होता है कि तुम मुझसे बात करो, क्यों तुम फादर से बात नहीं करना चाहती थी, अगर तुमने फादर और फैमिली को बता दिया था कि ही वॉज ऑन मेडिकेशंस एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, देन फादर के मैसेजेस का जवाब तुमने क्यों नहीं दिया जब फादर ने तुमको कहा कि उसको बॉम्बे आना है, उसने जब श्रुति मोदी को मैसेज किया कि he wants the flight tickets because he wants to visit his son. So you are obviously lying here because your WhatsApp messages are on public platform. अब तुम्हारी वो जो molestation वाली कहानी है उसके ऊपर तो मुझे हंसी भी नहीं आती. That is like so beyond level to even you know talk about it. आगे बात करते हैं कि तुम चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे. तो जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गया अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, और उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति भी यूएस से आ रही थी और उसको टाइम लग रहा था टू फिगर आउट हर टिकेट्स एंड एवरीथिंग, तब तुमने 20 या 25 कॉल क्यों जनवरी में किए सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई वापस बुलाने के लिए? व्हाट वॉज द लॉजिक इन दैट? अगर आप चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे और वो अपनी फैमिली वो मिलने खुद गया था, then why did you do those desperate mad calls of 20-25 calls in a span of 2-3 days? ये क्या इतना कौन सा बड़ा असाइनमेंट आ गया था जिसके लिए आपको सुशांत सिंह राजपूत को बुलाना था? पैसे खत्म हो गए थे ड्रग्स के लिए, खुद के ड्रग्स के लिए, कि तुमको सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड चाहिए था तो क्रेडिट कार्ड वो छोड़ के नहीं गया, डेबिट कार्ड छोड़ के नहीं गया, तुमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पासवर्ड नहीं लिया, क्योंकि तुमको क्या जरूरत थी सुशांत सिंह राजपूत को 20-25 कॉल्स करके उन 3 दिनों के अंदर इतना हाइपरनेस क्रिएट करने के लिए जब सुशांत अपनी फैमिली के साथ यू नो टाइम स्पेंड करने गया था. इफ यू डिड नॉट वांट टू कम बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली, बिकॉज अगर मैं आपकी ये थॉट प्रोसेस को बिलीव करना चाहती हूं, मगर आपके शब्द कुछ और है और आपके एक्शंस कुछ और है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो डीकोड फ्रॉम वॉट एवर वर्ड्स यू हैव सेड इन योर इंटरव्यू विद द डियर राजदीप सरदेसाई. अब आगे बात करते हैं. The father had messaged me जब सुशांत hospitalized था. ठीक है, तो मुझे hospital के footages बताइए, आप hospital के bills बताइए, और father ने जब आपको message किया था तब father का वो message का जवाब आपने क्यों नहीं दिया जो father का public हुआ है on public domain, जहां पर वो tickets मांग रहे हैं श्रुति मोदी से क्योंकि वो अपने बेटे को मिलना चाहते थे. Why didn't you take initiative there?